just to know. हे क्लास, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वडक्कम एंड खम्बा गणी टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड बेटा, दिस इज योर आईसीएसई इन वन शॉट. ठीक है, तो एक सेशन में हम लोग पूरा चैप्टर फिर से पूरा कवर करेंगे, तो उसमें जल्दी से क्विक रिविजन करते हुए विल बी कंप्लीटिंग द होल चैप्टर. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज योर लीनियर इन इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर इन इक्वेशंस जो टॉपिक है उसको हम लोग एक शॉट में पूरा करेंगे. So let's start the class. And अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो don't forget to like the video, share करो वीडियो को and subscribe to the channel अगर तुम लोग नए हो यहाँ पे. ठीक है, तो देखो यार, first thing, linear in equations क्या होता है. तो हम लोगों ने linear equations पढ़ा था. equations वहां पे क्या equal sign रहता है बीच में. अब इसमें क्या है ना कि in equations है, मतलब यहाँ पे equality नहीं है. यहाँ पे equality नहीं है, तो यहाँ पे या तो कोई साइड बड़ी है कोई छोटी है, ऐसा कुछ है. इक्वेशंस में एकदम इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. सेकंड थिंग, लीनियर का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो होगा दैट विल बी वन. डिग्री ऑफ वेरिएबल विल बी वन, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह ये सब नहीं मिलेगा. एक्स वाई ऐसा डिग्री वन के सारे वेरिएबल मिलेंगे हमको. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दे दो, एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन, टू एक्स ग्रेटर देन सिक्स. ठीक है, तो हमारे पास में ना इसमें चार साइन है, हमारे पास में इसमें चार साइन है. तो लीनियर इक्वेशन का अगर तुमको पता होगा तो जो जनरल फॉर्म था वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी था, है ना. एक ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर सकते हो या सी कर सकते हो, तो कुछ भी चलेगा. अब उसमें इक्वल साइन की जगह पे दो चार साइन है. पहला है ये वाला, इसमें बोल रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी. फिर है ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी. ax plus b less than or equal to c, तो यहाँ पे ये equal भी हो सकता है और ax plus b less भी हो सकता है c से. and ax plus b greater than or equal to c means ax plus b can be equal to c also or greater than c also. तो total चार sign होते हैं हमारे पास में, है ना. ये वाले only one line, ये total चार sign है हमारे पास में. ठीक है, तो ये हो गया a greater than b, ये हो गया a less than b. अब a less than b बोलो या b greater than a बोलो, बात सेम है. ठीक है, a less than or equal to b और b greater than or equal to a and a greater than or equal to b. So wherever the sign is opening its mouth, वो वाला साइड बड़ा होगा तुम्हारा. ठीक है, उसके बाद में इसमें रूल जो होता है सॉल्व करने के लिए, जो ट्रांसपोजिशन में हम लोग जो रूल्स यूज करते हैं ना बेटा, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त जो हम लोग यूज करते हैं, एकदम सेम तरीके से हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे. दो एक्सेप्शन है, उनको थोड़ा सा ध्यान से सोच के करना है, बस वहां पे एक थोड़ा सा चेंजेस है, उसके अलावा बाकी सब कुछ चेंज है. ठीक है, तो जैसा लीनियर इक्वेशंस में वी कैन ऐड समथिंग ऑन बोथ द साइड्स, सेम वे लीनियर इन इक्वेशंस में भी हम लोग कोई भी नंबर वी कैन ऐड ऑन बोथ द साइड्स, वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो ऑन बोथ द साइड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, एंड तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी नंबर कर सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स. इन इक्वालिटी का जो साइन है वो रहेगा सेम. मतलब मान लो a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है मैंने, तो मैं a c को दोनों साइड में अगर ऐड भी कर लूं, स्टिल इन इक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. ठीक है, अगर मेरे पास a ग्रेटर देन b है एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट c फ्रॉम बोथ द साइड्स, स्टिल इन इक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. रूल वन, रूल टू, रूल थ्री क्या बोल रहा है बेटा, देखो रूल थ्री में है कि अगर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ द साइड्स विद अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k कोई पॉजिटिव नंबर है, तो भी इन इक्वालिटी का साइन रहेगा. यहाँ पे देखना बेटा, k जो है ग्रेटर देन जीरो, k जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर से है. तो इन तीन केसेस में इन इक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और नॉर्मल जैसे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करते हैं सेम तरीके से उसको सॉल्व करो. अब चेंजेस कहाँ आते हैं, पहला चेंजेस आता है कि मान लो अगर मैं, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन या डिविजन दोनों, मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से करो या डिविजन पॉजिटिव नंबर से करो, सेम साइन रहेगा. अब क्या है, अगर मैं नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास a ग्रेटर देन b है, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद माइनस टू, तो ये माइनस टू ए हो जाएगा, ये माइनस टू भी हो जाएगा. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई और डिवाइड विद अ नेगेटिव नंबर, तो उस टाइम पे मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा. तो एक कब साइन चेंज करते हैं बेटा, जब
ऑन बोथ द साइड्स इफ आई मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तब हम लोग इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करते हैं। एक कब है कि अगर हम दोनों साइड में मान लो मेरे पास में माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी है, ऐसा है। अब अगर मैं देखो, अगर मेरे पास में ऐसा होता था इक्वेशंस में, तो इक्वल साइन तो सेम रहता था, यहाँ पे चलता था। बट इन इक्वेशंस में इफ आई कैंसिल नेगेटिव ऑन बोथ द साइड, तो उस केस में भी साइन रिवर्स होगा। तो ये नेगेटिव कैंसिल करने का मतलब क्या है, दोनों साइड पे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगेन ये उसी तरीके का रूल है, बट बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए उसको सेपरेटली दिखा रहा हूँ कि इफ यू कैंसिल नेगेटिव टू नेगेटिव ऑन बोथ द साइड, तो उसमें भी साइन रिवर्स होगा। दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो तब भी साइन रिवर्स होगा। और एक है कि अगर मान लो ए ग्रेटर देन बी है, एंड इफ वी डू द रेसिप्रोकल, दैट इज 1/a एंड 1/b करें, तो इस केस में भी साइन रेसिप्रोकल हो, साइन का रिवर्सल होगा। तो इन तीन केसेस में जो साइन रिवर्सल होता है, बस ये तीन केसेस याद रखना। तो जब भी वेन एवर इस किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, जब जहां पे तुम मतलब अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में बेटा याद रखना कि जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा, और वहां पे तुमको साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो बस ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, उसको थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो बात है उसमें समझ जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। तो मतलब ये उस तरीके से है कि मान लो अगर नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर नेगेटिव को ट्रांसपोज कर रहे हो, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ट्रांसपोज कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या रहेगा बेटा कि वहां पे भी साइन रिवर्सल करना होगा। नेगेटिव नंबर में उस साइन को अगर ट्रांसपोज कर रहे हो, तो वहां पे भी मतलब तुमको साइन रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब मान लो -2a, मैंने बोला ग्रेटर देन 8। अब अगर -2 को उधर शिफ्ट कर रहे हो, तो 8 यू आर डिवाइडिंग इट बाय -2, तो इस केस में भी साइन रिवर्सल होगा। ये जो केस है, ये एग्जैक्टली तुम्हारा यही वाला केस है कि इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो अगर मान लो -2a ग्रेटर देन 8 है, तो एक्चुअली अगर बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, -2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लो, एंड व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड, द साइन मस्ट बी रिवर्स, तो ए ऐसा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव टर्म को शिफ्ट कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, तो इस रूल के अकॉर्डिंग योर साइन विल बी रिवर्स्ड। अगर नेगेटिव नंबर को तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो LHS RHS RHS टू LHS में, किसी भी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो नेगेटिव नंबर को, इन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई लोड नहीं है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में तुमको साइन रिवर्स करना होगा। ठीक है, नेगेटिव कैंसिल कर रहे हो दोनों साइड में, तो साइन रिवर्स करना होगा, और रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो साइन रिवर्स करना होगा। बस ये बात तुम समझ लो, उसके बाद में बहुत इजी है सब कुछ। ठीक है, चलो अब देखो रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है कि भाई अपने को एक्स की कुछ वैल्यूज देंगे, कि एक्स जो होगा नेचुरल नंबर है, एक्स जो है इंटीजर्स है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड योर रिप्लेसमेंट सेट, है ना। सॉल्यूशन सेट क्या है कि अपन ने इन इक्वेशन सॉल्व की और हमको वैल्यू मिला कि चलो एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो अब उस ये जो एक्स, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि इंटीजर्स हैं, अब मेरे को आंसर आया कि एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े जो भी इंटीजर्स है, दैट विल बी माय आंसर। तो सपोज इफ आई से कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे को आंसर मिला है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, तो मैं मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि सर एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2, 1 नहीं हो सकता बिकॉज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो नेक्स्ट इंटीजर इज 2, 3, 4, 5, लाइक दिस। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट, दिस इज योर रिप्लेसमेंट सेट एंड ये सॉल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, सिंपल थिंग्स। अब उसके बाद में हम लोगों ने कन्वेंशन बता दिया है। अब ये जो को जब हम लोग इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीनिंग समझ लो, जब भी ना तुम्हारे पास में ये साइन होता है लेस देन और इक्वल टू, है ना, ये वाले साइन जब होते हैं ना, तो उस साइन पे हम लोग एक डार्कन सर्कल लेते हैं, और जब हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल सर्कल होते हैं, तो उसमें हम लोग एक हॉलो सर्कल लेते हैं। हॉलो सर्कल का मतलब होता है बेटा कि वो वैल्यू हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। मान लो मैंने बोल दिया एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो नंबर लाइन पे ये मान लो कि तुम्हारे पास में 0, 1, 2, sorry, 0, 1, 2, 3 है, तो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरे को 3 इंक्लूड नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड 3। तो 3 पे एक हॉलो सर्कल, एंड देन इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज हैं वो तुम्हारे सॉल्यूशन। तो हॉलो सर्कल बोल रहा है कि बेटा हम लोगों ने 3 को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, अब देखो सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 2, तो
इस केस में क्या होगा कि ये जो नंबर लाइन है, ठीक है, तो चलो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री। अब देखो एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है मतलब माइनस वन को इंक्लूड नहीं करना है, हॉलो सर्कल और उससे ग्रेटर है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू, मतलब एक्स टू हो सकता है तो टू को इंक्लूड करना है, तो डार्कन सर्कल या फिर उससे लेस। तो ये वाली रेंज जो होगा, ये वाला ग्राफ ही हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रखो कि जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आएगा तो डार्कन सर्कल होगा, और लेस देन या ग्रेटर देन आएगा तो हॉलो सर्कल होगा, उससे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है। अब हमेशा हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे नॉर्मल नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करना है, रिमेंबर तीन स्टेप में। एक है कि अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में शिफ्ट कर रहे हैं, एल एच एस टू आर एच एस, आर एच एस टू एल एच एस, तो उस केस में वी विल बी रिवर्सिंग द साइन। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, कि अगर नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड में नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हो, उसमें साइन रिवर्स होगा। एंड थर्ड थिंग क्या है कि अगर रिवर्स रेसिप्रोकल कर रहे हो तब उस केस में साइन रिवर्स होगा। बस इन तीनों को सोच लो, दिमाग में फिट कर लो, उसके बाद में नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुमको कि सर जी ए इज लेस देन बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a माइनस सी इज लेस देन b माइनस सी। तो देखो बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हम लोगों ने c को सब्ट्रैक्ट किया है, दोनों साइड में हम लोगों ने c को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यार आई कैन एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ द साइड्स, द साइन विल नॉट चेंज। तो साइन चेंज नहीं हुआ है, आई कैन से यस सर फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है। सेकेंड वाला देखो, इसमें मैंने c को एड किया है दोनों साइड में, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई भी नंबर कर सकता हूं, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं हुआ है, तो दैट इज आल्सो ट्रू। थर्ड केस देखो, थर्ड केस बोल रहा है कि ए लेस देन बी दिया हुआ है, तो बोला है कि ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी। तो एक बात बताओ, ए अगर लेस देन बी है तो मैं ये जरूर बोलूंगा, मैं ऐसा हमेशा बोल सकता हूं कि हर बार साइन चेंज होगा? नहीं यार, इट डिपेंड्स अपॉन सी। अगर सी नेगेटिव है तो साइन चेंज करेंगे, अगर सी नेगेटिव नहीं है तो क्यों साइन चेंज करेंगे, राइट? इन दैट केस साइन विल नॉट बी चेंज। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हमेशा करेक्ट नहीं है, तो इट इज फॉल्स, ये नॉट ट्रू है ना, ये फॉल्स है। फोर्थ वाले में ए ग्रेटर देन बी, तो उसमें भी वापस साइन चेंज कर रहा है, तो फोर वाला भी फॉल्स होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल नॉट चेंज द साइन, तो फोर्थ भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ वाला देखो, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी। अब इन्होंने क्या किया, माइनस डी को इधर शिफ्ट किया, प्लस सी को उधर शिफ्ट किया, तो माइनस सी उधर शिफ्ट करूंगा एंड माइनस डी इधर किया, तो ए प्लस डी हुआ, एंड यहाँ पे बी माइनस सी इधर शिफ्ट किया तो प्लस सी। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरचेंज करते हो ना, ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में व्हेन एवर यू आर डूइंग एल एच एस टू आर एच एस शिफ्टिंग, उस केस में भी साइन चेंज नहीं होता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। याद रखना बेटा, जो साइन रिवर्स होता है ट्रांसपोजिशन में वो तभी होता है जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन में तुम लोग लेके जाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये तुम्हारा ट्रू है। और सिक्स्थ क्या बोल रहा है, सिक्स्थ बोल रहा है कि ए जो है वो लेस देन बी है, सी जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए माइनस सी एंड बी माइनस सी है, तो साइन रिवर्स कर दूंगा? नहीं यार भाई, मैं सब्ट्रैक्ट तो कोई भी नंबर कर सकता हूं ऑन बोथ द साइड्स, साइन चेंज नहीं होगा उसमें, तो ये वाला भी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इससे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ना तुम्हारे को रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, रिप्लेसमेंट सेट मींस एक्स जो है दैट इज बिलोंगिंग टू होल नंबर्स, वैल्यूज ऑफ एक्स जो आएंगी तुम्हारे सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा तुम्हारा होल नंबर्स ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में बेटा हम लोगों को वैल्यूज प्रूव करना है, तो फर्स्ट वाला क्या है तुम्हारे पास में, देखो एक्स प्लस सेवन इज लेस देन और इक्वल टू इलेवन, सेवन को उधर शिफ्ट करो तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इलेवन माइनस सेवन, तो मेरे को मिल गया एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इलेवन माइनस सेवन इज फोर। एक्स जो है या तो लेस देन फोर होना चाहिए या फिर इक्वल टू फोर होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एक्स जो होगा सर वो हो जाएगा तुम्हारा
एक्स जो होगा वो हो जाएगा जीरो, बिकॉज होल नंबर है एक्स, वन टू थ्री फोर, तो टोटल पांच वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, दैट इज एक्स जीरो वन टू थ्री फोर हो सकता है, क्योंकि एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर होना चाहिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स माइनस थ्री बाय टू सेकेंड वाला है, एक्स माइनस थ्री बाय टू इज लेस देन थ्री बाय टू माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर शिफ्ट करो, माइनस थ्री बाय टू उधर शिफ्ट करियो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोजिशन व्हेन वी विल डू, नो नीड टू चेंज द साइन, रिवर्सल साइन का नहीं होता है, तो एक्स माइनस एक्स विल बिकम टू एक्स लेस देन थ्री बाय टू इज ऑलरेडी हियर, माइनस थ्री बाय टू शिफ्ट देयर विल बिकम प्लस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू प्लस थ्री बाय टू इज थ्री. अब अगर मैं टू को बिना उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो टू इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड व्हेन आई डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर द साइन इज नॉट चेंज्ड, तो मेरे को मिल गया एक्स इज लेस देन थ्री बाय टू, एक्स जो है वो 3 बाई टू से लेस होना चाहिए, 3 बाई टू मतलब 1.5. तो x क्या होगा बेटा, x बिलोंग करेगा, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 जो है वो 3 बाई टू से बड़ा हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 एंड 1. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, अब चाहो तो तुम माइनस एक्स को उधर शिफ्ट कर लो या फाइव को उधर शिफ्ट कर लो, जो भी तुम चाहो, है ना. तो अगर बेटा मैं एट को उधर शिफ्ट करता हूं तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन फाइव माइनस एट, तो मेरे को मिल गया माइनस एक्स इज ग्रेटर देन फाइव माइनस एट मतलब माइनस थ्री. अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करता हूं तो साइन विल बी रिवर्स्ड, तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन थ्री, एक्स इज लेस देन थ्री. अब दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा. मान लो मैं x को उधर शिफ्ट करूं, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, माइनस एक्स शिफ्ट देयर 5 ओवर हियर, तो 8 माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स विल बिकम प्लस एक्स, 8 माइनस 5 इज 3, 3 इज ग्रेटर देन एक्स. देख लो सेम थिंग है, यहाँ पे भी फेस इज ओपन टूवर्ड्स 3, यहाँ पे भी फेस इज ओपन टूवर्ड्स 3, तो दोनों सेम थिंग है. तो एक्स जो है वो 3 से, एक्स जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, एक्स इज लेस देन 3, तो द वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल विल बी वॉट, कि यार x या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा बिकॉज इट इज लेस देन 3, नॉट लेस देन और इक्वल टू, तो 0, 1 एंड 2 विल बी योर आंसर. ठीक है, फोर्थ वन करते हैं बेटा. फोर्थ वन वाला कैसे होगा देखो, फोर्थ वन वाले में हमारे पास में है 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ. ओके, अब एक काम करो, चलो 7 को उधर शिफ्ट करो, तो माइनस 3x is greater than or equal to minus half, 7 will become minus 7. यहाँ पे LCM लो, so minus 3x is greater than or equal to, ये हो जाएगा 14, minus 1 is minus 15, है ना, so minus 15 by 2, correct है बेटा. अब minus 3 को if I shift it in the division, अगर मैं minus 3 को if I am shifting it in division बेटा, तो अगर मैंने negative number को divide करने में भेजा है, तो obviously जो sign होगा वो change हो जाएगा, तो साइन को रिवर्स कर लिया, माइनस थ्री ये बन जाएगा 5, तो एक्स जो होगा वो लेस देन 5 बाई 2 होना चाहिए, मतलब एक्स जो होगा वो होगा या तो 0 या फिर होगा 1 या फिर होगा 2. अब इक्वल टू 5 बाई 2 मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे को पहले ही बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू ओनली होल नंबर, तो 5 बाई 2 होल नंबर नहीं है, 3 नहीं आएगा बिकॉज 3 5 बाई 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 1 एंड 2 विल बी योर वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके बेटा, तो ये तुम्हारे वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे, ठीक है, दीज आर योर वैल्यूज ऑफ एक्स. पहले में 1 2 3 4, 0 1 0 1 2 0 1 2, ये तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव अहेड बेटा, जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, उन सब प्रॉब्लम्स का छुटकारा, निवारण, समस्या का हल विल बी एट वेदांतु, क्योंकि डाउट्स जो होंगे तुम्हारे हर क्लास में सॉल्व होंगे, नोट्स एंड असाइनमेंट हर क्लास में मिलेंगे, टेस्ट होंगे, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एनटीएससी, केवीपीवाई सब वेदांतु में हो जाएगा. शेड्यूल की अगर क्लास मिस कर दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मान लो कुछ पर्सनल काम आ गया तो टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग देख लो ताकि तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ मिस नहीं किया है, सब कुछ सेट है, एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज दैट इज हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, अदर देन दैट तुमको मिल रहे हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, माइक्रो कोर्स एंड क्रैश कोर्स तुमको फ्री में मिलेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड पर्सनलाइज अटेंशन. उसके लिए तुमको ना एक लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, देख तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में देख लो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट जो है उसको पिन किया हुआ कमेंट है, हमारा वेदांतु का कमेंट उसको पिन किया हुआ है, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो, जैसे ही उस लिंक पे जाओगे उसमें तुम लोग ये कोड यूज करो GP Pro,
ये कोड यूज करने से क्या होगा, तुमको डायरेक्ट 20% ऑफ मिल जाएगा। कितना? 20% ऑफ। तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, जस्ट लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और पिन कमेंट में भी अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक करो एंड बूम यू विल बी एंटर्ड इन टू द वेदांतो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यार, सॉल्व द इन इक्वेशन 3 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 12। तो बहुत इजी है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू जो होंगी वो नेचुरल नंबर होगी, उसके हिसाब से हमको सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो आई कैन से कि सर 3 - 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 12। तो एक काम करो ना बेटा, इस x को भी उधर शिफ्ट करो, 3 को उधर शिफ्ट कर लो, तो -2x है तुम्हारे यहाँ पे, x को उधर शिफ्ट किया -x, ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 पहले से ही था, दिस 3 विल बिकम -3। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोजिशन में साइन डज नॉट चेंज, तो -2 - x इज -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 - 3 इज -15। अब अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करता हूं बेटा, तो साइन विल बी रिवर्स्ड, साइन रिवर्स हो गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 15/3, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x जो है या तो 5 है या 5 से छोटा है, और वैल्यूज ऑफ x खाली नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आई कैन से x बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यूज क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। सिंस नेचुरल नंबर बोला है तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यूज 5 वैल्यूज पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, दीज 4, 4, दीज 5 वैल्यूज एक्स विल बी द इक्वेशन विल बी दिस इन इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच, ये क्वेश्चन सही से लिख देता हूँ, इट इज 5 - 2x इज लेस देन 5.5 - 5x/3। तो x टर्म्स को एक साइड ले लो इन इक्वेशन और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले लो, तो -5x/3 बन जाएगा +5x/3, साइन सेम रहेगा, 5.5, दिस +5 विल बिकम -5। तो -2x/3 +5x/3 अगर एलसीएम लोगे तो -6x + 5x ये बन जाएगा तुम्हारा -x/3, एंड 5.5 - 5 करोगे तो तुमको मिल जाएगा हाफ। करेक्ट है, राइट है बेटा। अब एक काम करो, 3 को उधर शिफ्ट कर लो, तो -x इज लेस देन 3/2 आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर लूं, तो x -3/2, ये नेगेटिव उधर शिफ्ट किया तो -3/2 हो गया, बट सिंस मैंने नेगेटिव उधर शिफ्ट किया बेटा, नेगेटिव ये जो शिफ्ट करता है इसका मतलब क्या है कि -1, ये -x को मैं -1 * x लिखता हूं, तो -1 को अगर मैंने उधर शिफ्ट किया है, तो व्हेन आई शिफ्ट अ नेगेटिव नंबर द साइन विल बी रिवर्स, तो x जो होगा उसको बड़ा होना पड़ेगा 3/2 से, -3/2 से x को बड़ा होना पड़ेगा। अब एक बात बताओ यार, x के जो भी नेचुरल नंबर से सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 सारे -3/2 से बड़े ही हैं, तो यहाँ पे x कैन बी एनीथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनीथिंग। बट ये क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, तो यार स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, 1, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर नहीं ना, यहाँ पे तो इंटीजर है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, मैंने गलती कर दी, आई थॉट कि इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर ओवर हियर, तो यहाँ पे इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर है तो सॉल्यूशन सेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटीजर में देखो बेटा, -3/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, नेक्स्ट, -3/2 -1.5, मतलब तो -1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर है हमारे पास -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो मतलब x इज इक्वल टू -1। मैंने देखा कि मेरे को लगा शायद नेचुरल नंबर है इसमें भी, बस इसमें इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू -1 जो होगा वो तुम्हारी स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 प्लस, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है, 12 + 1 5/6x लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x, तो ये 1 5/6 को सिंप्लीफाई कर लो, तो 12 + 6 + 5 = 11, x/6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x, 3x को उधर शिफ्ट करो, 12 को इधर शिफ्ट करो, तो 11x/6 -3x यहाँ पे हो जाएगा 5 - 12। ओके, तो एलसीएम लो, 6 3 = 18, 11 - 18 करोगे तो 7x आ जाएगा, है ना, तो एंड दैट टू नेगेटिव का 7x, बिकॉज -18 है यहाँ पे,
तो माइनस सेवन एक्स बाय सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 12 अगर करोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा तुमको, माइनस 7, करेक्ट। तो x क्या होगा, अब देखो माइनस 7 यहां पे था, ये माइनस 7 बाय 6 उधर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 6 बाय माइनस 7। बट एक बात तुमने देखी बेटा कि नेगेटिव नंबर मैंने ट्रांसफर किया है, माइनस 7 बाय 6 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, सो व्हेन आई ट्रांसपोज अ नेगेटिव नंबर द साइन विल बी रिवर्स्ड। तो माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। तो अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट वाला है 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अब इफ आई शिफ्ट 2 इन डिवीजन बेटा, पॉजिटिव नंबर से व्हेन एवर आई विल डिवाइड नो नीड टू चेंज द साइन। तो 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6 बाय 2 इज व्हाट, 3। माइनस 3 को एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोजिशन में नो नीड टू चेंज द साइन, सो 2x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3 विल बिकम प्लस 3, 3 प्लस 3 तुम्हारा हो जाएगा 6। अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर से ही, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये वाला बन रहा है, x जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो मान लो दिस इज माय नंबर लाइन, ओके लेट्स से दिस इज इक्वल टू 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। तो मुझे बोला है कि जो x है बेटा, x जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3, ओके। तो लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए चलो भाई, पहली बार तुमने देखा कि लेस देन और इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो 3 को भी इंक्लूड करना है, तो अ डार्कन सर्कल, और लेस है तो नेगेटिव साइड में चलो, कम करना है तो राइट। तो इस एरो में डायरेक्शन में चलते रहो। तो दिस हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन, दिस हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, माइनस फोर से ले एक्स जो है माइनस फोर से, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर बट लेस देन फोर, तो बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो यार। मान लो ये तुम्हारा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो दोनों साइड पे तुम देखोगे बेटा, दोनों साइड पे जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन है तो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है, तो माइनस फोर भी इंक्लूड नहीं है, फोर भी इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बीच की सारे वैल्यूज, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन हो गया। डार्कन सर्कल रहेगा या हॉलो सर्कल रहेगा, बस उसको समझना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वाला जो है बेटा, थर्ड वाला डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी है। थर्ड वाले में -5 से x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन और इक्वल टू -1, थर्ड वाला कुछ ऐसा दिखेगा, ओके इट इज -5 -4 -3 -2 -1 0, 1, क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब बेटा -5 जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, -5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो हॉलो सर्कल। -1 इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब -1 इज इंक्लूडेड, सो अ डार्कन सर्कल एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन दैम, ऑल द वैल्यूज बिटवीन दैम, सो दिस हाउ यू विल गेट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, दिस हाउ यू विल गेट द सॉल्यूशन सेट्स ऑन दिस नंबर लाइन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाले में देखो अब साइमल्टेनियस ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट है माइनस फोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 1 इज लेस देन 8। अब इसमें देखो, या तो तुम चाहो तो दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, एक तो है माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 1, एक इसको सॉल्व करो, एंड फिर 3x माइनस 1 को 8 ये लेस देन 8 ये वाला सॉल्व करो। तो या तो इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 एंड एक 3x माइनस 1 इज लेस देन 8, ये दो अलग अलग सॉल्व करो, और एक डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, जो ट्रांसपोजिशन तुम करोगे दोनों साइड में करना है। अब माइनस वन को अगर बेटा मैं शिफ्ट करूंगा तो माइनस वन विल बिकम प्लस वन, तो यहाँ पे माइनस फोर में प्लस वन ऐड करो,
8 में भी प्लस 1 ऐड करो और 3x अब सिर्फ 3x बच गया। सिंस नेगेटिव पॉजिटिव सब वो ट्रांसपोजिशन में साइंस चेंज नहीं होते हैं तो कीप द साइन एज इट इज। तो माइनस 4 प्लस 1 क्या बना बेटा, माइनस 3, 3x एंड यहाँ पे 9। अब डिवाइड बाय 3, इधर भी डिवाइड बाय 3, इधर भी डिवाइड बाय 3, तो माइनस 3 बाय 3 एंड यहाँ पे 9 बाय 3 एंड यहाँ पे x बच गया बिकॉज 3 से डिवाइड कर दिया। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, साइन इज नॉट चेंज्ड तो साइन रहेगा सेम। सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है। ओके तो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द सॉल्यूशन। माइनस 3/3 इज व्हाट, माइनस 1 से एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 3। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 3। सो ऑन द नंबर लाइन हाउ इट इज गोइंग टू लुक, नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा बेटा। तो मान लो ये तुम्हारा माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3 है अगर, तो एक्स इज लेस देन और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 इज इंक्लूडेड बट एक्स इज लेस देन 3 तो 3 इज अ हॉलो, 3 इज नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन दैट। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली ट्राई द सेकेंड वन ऑल्सो, सेकेंड वन विल बी एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। तो फर्स्ट बेटा दिस पॉजिटिव 3 आई विल शिफ्ट ऑन बोथ द साइड्स। ओके अब यहां पे देखो दो वेरिएबल, वेरिएबल इज एट टू प्लेसेस, तो बेटर सिर्फ सॉल्व इट सेपरेटली, दैट विल बी बेटर। तो वन इज एक्स माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस एक्स, शिफ्ट माइनस एक्स ओवर हियर, माइनस 1 ओवर हियर, तो माइनस एक्स विल बिकम प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स इज 2x, इज लेस देन माइनस 1 शिफ्टेड देयर 3 प्लस 1 व्हिच इज 4, तो x इज लेस देन 4 बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव गॉट दैट x इज लेस देन 2, सॉरी x इज, हाँ x इज लेस देन 2। सेकंड पार्ट सॉल्व करो बेटा, 3 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 5, शिफ्ट 3 ओवर देयर, तो माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3 मतलब 2, शिफ्ट नेगेटिव ओवर देयर, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। करेक्ट, अब इन दोनों को बेटा मैं क्लब करूंगा तो आई कैन से कि सर एक्स जो है दैट इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। तो इस सॉल्यूशन को नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2। अब देखो माइनस 2 इज इंक्लूडेड, माइनस 2 इज इंक्लूडेड तो डार्क एंड सर्कल, 2 में इंक्लूडेड नहीं है तो अ हॉलो सर्कल एंड इनके द ऑल द वैल्यूज बिटवीन देम, इनके बीच की सारी वैल्यूज। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब ऐसे वाले में दो दो वेरिएबल आ जाए तो बेटर है बेटा सेपरेट करके सॉल्व कर लो, बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो दिस ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ओके तो फर्स्ट वन वी हैव गॉट द आंसर एज वेल एज सेकेंड वन ऑल्सो वी हैव सॉल्व फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज, ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्राफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है बेटा। तो माइनस 2, 2 बाय 3 इज लेस देन और इज यहां पे है एक्स प्लस 1 बाय 3, तो एक्स प्लस 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, 2 बाय 3 बट लेस देन 3, 1 बाई 3। ओके तो एक काम करो 1 बाई 3 को उधर शिफ्ट करो, तो माइनस 2, 2 बाई 3 बेटा, 3 टू 6 इंटू प्लस 2 इज माइनस 8 बाई 3, तो माइनस 8 बाई 3 में इट विल बिकम माइनस 1 बाई 3 एंड यहां पे x बचा एंड 3 1 बाई 3 में भी 1 बाई 3 शिफ्ट देयर विल बिकम माइनस 1 बाई 3, तो यहां मिल गया बेटा माइनस 9 बाई 3 एंड 3 1 बाई 3 को इफ यू विल कन्वर्ट इट इंटू योर दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म, सो यू विल गेट 10/3, क्या मिलेगा तुमको 10/3 है। ठीक है, तो 10/3 माइनस 1/3, सो माइनस 8 माइनस 1 इज माइनस 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 10 माइनस 1 इज 9/3, तो सिंपल सा है, माइनस 3 यहाँ पे 3, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 बट लेस देन 3। अब बताओ हाउ इजी इट इज
टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. अब -3 विल बी इंक्लूडेड वन, -3 पे इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो -3 इंक्लूडेड है बिकॉज इट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, बट एक्स इज लेस देन 3, तो यहां पे हॉलो सर्कल एंड जॉइन बोथ ऑफ देम, ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन देम. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. गॉट इट? तो दिस आओ बेटा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इनइक्वालिटीज बहुत इजी सा टॉपिक है, जो शुरू में मैंने तुमको 3 रूल बोले हैं उनको रिवाइज करते रहना कि ये सारे स्टेप्स में गलती नहीं करना है साइन चेंज करते वक्त, बाकी रेस्ट तो एग्जैक्टली इक्वल एज द लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो अभी जो बच्चे वेदांतों के सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन इट. देखो लिंक जो है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर पिंड कॉमेंट रहेगा कॉमेंट सेक्शन में, जो फर्स्ट कॉमेंट देखोगे वेदांतों का उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो एंड वहां पे जाके तुम लोग अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, ग्रेड 10th ICSE 2021, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ. ठीक है, अब तुम्हारे पास में यहाँ पे 1 मंथ का ऑप्शन है, 3 मंथ का है और 6 मंथ का है. तो जो भी प्राइस दिखा रहा है बेटा, यहाँ पे कूपन कोड लगाओ GP Pro, और ये कूपन कोड क्या करेगा, तुमको डायरेक्ट 20% फ्लैट 20% ऑफ देगा. ये 20% ऑफ 1 मंथ पे भी है, 3 मंथ्स पे भी है, ओके, एंड 6 मंथ्स पे भी है, हर जगह पे है. एंड दिस प्राइस इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST एंड इंग्लिश, तो सारे सब्जेक्ट्स का मिला के प्राइस है. ये एक सब्जेक्ट का प्राइस नहीं है, सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस का प्राइस है. तो इट इज अ वेरी गुड डील. आई वुड लाइक मै ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी ऑन वेदांतस प्लेटफॉर्म, ताकि हम सब लोग एक अच्छे से मस्त से पूरा सेशन करें, पूरी पढ़ाई करें और मजे करें. ओके बेटा, तो वही लिंक तुमको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, एंड द कूपन कोड जो है 20% ऑफ के लिए, दैट इज GP Pro. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों. आई होप कि सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. मोस्टली जहां पे साइन चेंज होता है वहां पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए जहां पे साइन चेंज कर सकूं मैं, ताकि तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि साइन कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों यार, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द सेशन, आई विल सी यू सून, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अगर मजा आया शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय, सायनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.